नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों हाल ही में ही अमेजोन के प्राइम डेज के दौरान लिनोवो टैब M10 थर्ड जनरेशन लिस्ट हो गई है, जो कि दोस्तों एक न्यूली लॉन्च टैबलेट देखने को मिल जाती है लिनोवो की तरफ से। तो इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कैसी टैबलेट देखने को मिलती है, क्या इसको आपको बाय करना चाहिए, सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में। चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी डिस्प्ले से। तो यहाँ पर आपको 10.1 इंचेस की एक FHD+ IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 320 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो डिस्प्ले देखने को मिलती है काफी अच्छी देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो कलर्स वगैरह हैं आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे, नेचुरल देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल जो डिस्प्ले के अंदर क्लियरिटी है और कलर्स है वो भी आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 100% कलर गैमिट का सपोर्ट दिया गया है। तो ओवरऑल एक अच्छी पंची आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बाकी बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको यूनिसो की तरफ से आने वाला T610 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों एक ऑक्टा कोर CPU आपको देखने को मिलता है और एक मिड रेंज लेवल का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो यहां पर आप हल्की फुल्की गेमिंग भी कर सकते हैं, साथ में यहां पर जो आपकी डे टू डे टास्क होगी वो तो काफी अच्छे से कंप्लीट हो ही जाएंगी। बाकी बात करें इसके रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट की, तो यहां पर दोस्तों एक ही रैम एंड स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाता है, वो है कि यहां पर आपको 4GB की रैम देखने को मिल जाती है, 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसको आप फर्दर एक्सपेंड भी कर सकते हैं मेमोरी कार्ड की मदद से। अप टू 256GB तक का यहां पर आप मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। बाकी बात करें यहां पर इसके कैमरास की, तो यहां पर दोस्तों बैक में देखने को मिल जाता है 8 MP का कैमरा, फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है 5 MP का। तो दोस्तों यहां पर जो कैमरास की क्वालिटी देखने को मिलेगी, अगेन यहां पर आपको बेसिक सी देखने को मिल जाएगी, बहुत ज्यादा कुछ खास तो आपको मिलने वाली नहीं है, लेकिन यह है कि आपके डे टू डे टास्क होती है, फॉर एग्जाम्पल वीडियो कॉल वगैरह करना, वो इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी बात करें दोस्तों इसके कुछ और फीचर्स की, तो यहां पर आपको फेस अनलॉक वगैरह का फीचर देखने को मिल जाता है, तो आप अपने टैबलेट को इजी तरीके से फेस अनलॉक की मदद से अनलॉक कर सकते हैं। और यहां पर आपको स्पीकर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर आप साउंड क्वालिटी का एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन साउंड क्वालिटी इतनी ज्यादा प्रीमियम आपको देखने को नहीं मिलेगी, बेसिक लेवल की साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। बाकी बात करें इसकी कुछ और चीजों की, तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका सॉफ्टवेयर है वो करंटली यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिल रहा है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर आपको स्टॉक एंड्रॉइड का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा ब्लॉटवेयर एप्स देखने को नहीं मिलेगी। जब आप इस टैबलेट को यूज करेंगे तो आपको काफी ज्यादा क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करें दोस्तों लिनोवो टैब M10 थर्ड जनरेशन की कनेक्टिविटी ऑप्शंस के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4G का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, आप इजी तरीके से यहाँ पर 4G की सिम लगाकर LTE के थ्रू वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हैं, साथ में यहाँ पर आप इंटरनेट का भी मजा उठा सकते हैं। और यहाँ पर आपको ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आप इसी तरीके से वाईफाई के थ्रू भी इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। और ब्लूटूथ का वर्जन यहाँ पर आपको 5.0 देखने को मिल जाता है, तो इसी तरीके से दो ब्लूटूथ डिवाइसेज भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस टाइप से यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट तो दिया ही गया है, उसके थ्रू आप इजी तरीके से जो भी OTG वाली एसेसरीज होती है कनेक्ट करके कीबोर्ड वगैरह माउस वगैरह भी एंजॉय कर सकते हैं। तो स्टेप से यहाँ पर आप कनेक्टिविटी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अगर इसकी बैटरी की, तो यहाँ पर आपको 5100mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, क्योंकि दोस्तों अगर हम कंपटीशन को देखें तो थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है, एटलीस्ट इन लोगों को यहाँ पर आपको 7000mAh की बैटरी ऑफर करनी चाहिए थी, लेकिन अगेन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको 5100mAh की ही बैटरी देखने को मिलती है। तो आप मान के चलिए दोस्तों आपको 4 से 5 घंटे ये टैबलेट बैकअप देगी, इससे ज्यादा बैटरी बैकअप नहीं प्रोवाइड कराएगी। बाकी इसके अंदर आपको 10W की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो अगेन यहाँ पर आपको कोई फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलती है। तो इस टाइप से दोस्तों कंप्लीट आपको पैकेज देखने को मिल जाता है लिनोवो टैब M10 थर्ड जनरेशन का। बाकी दोस्तों लिनोवो टैब M10 थर्ड जनरेशन की प्राइसिंग की बात करूं, तो 17,500 rupees की अप्रोक्स आपको Amazon पर देखने को मिल रही है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल वर्थ नहीं है। अगर दोस्तों इसकी प्राइसिंग 12,000-13,000 rupees होती तो फिर भी ये चल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन को देखते हुए इन लोगों ने पता नहीं क्या सोचकर इसकी प्राइस इतनी ज्यादा रखी है। इन्हीं की एक टैबलेट आती है लिनोवो टैब K10, जो कि दोस्तों काफी बढ़िया बैटरी लाइफ के साथ देखने को मिलती है, अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है, ओवरऑल फीचर्स भी काफी बढ़िया है, वो आपको 14,000 rupees की अप्रोच देखने को मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप उसको चूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है ये वाली टैबलेट, तो कोई मेरे हिसाब से कोई इसका कोई मतलब नहीं है, पता नहीं इन लोगों ने इतनी ज्यादा हाई प्राइस पर इस टैबलेट को क्यों लॉन्च किया है। और दोस्तों इसके अंदर आपको कोई ऐसा खास फीचर भी देखने को नहीं मिलता, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप इसको इस टैबलेट को अवॉइड ही करिएगा तो ज्यादा बेटर है। इसको आप लिनोवो की K10 वगैरह खरीद सकते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखने को मिल जाती है, मेरा काम है आपको सारी सारी टैबलेट्स के बारे में बताना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर आप ऐसी टैबलेट से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।